माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर। मैं 5 मिनट से खड़ी थी और मैं रोड क्रॉस नहीं कर पा रही थी। सफलता का पहला चरण है उस काम का पता करें जिसे आप करना पसंद करते हैं। सो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल हम पहाड़ी परिंदे। तो इस वक्त मैं हूँ जनकपुर डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, और जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मेरा लैपटॉप भी ख़राब हो गया है, मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया है, सारे हथियार खराब हुए पड़े हैं। तो सही करवाने के लिए मैं आई हूँ जनकपुरी। तो देखते हैं रोकड़े कितने मांगते हैं रोकड़े, और आप लोगों को भी अपडेट करवाती हूँ। लैपटॉप मोबाइल LTV सब है यहाँ पे। पूछती शाम के बज चुके हैं 6, और पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद, मशक्कत के बाद, पैसे खर्च करने के बाद, परेशानी के बाद मेरा लैपटॉप और फ़ोन दोनों ही चीज़ सही हो चुकी है। देखे तो मैं दिन में ही आ गई थी, फर्स्ट हाफ में मैं देखे आ गई थी फ़ोन भी लैपटॉप भी, बट पूरी ही स्क्रीन चली गई थी फ़ोन की, तो इसकी वजह से बहुत टाइम लग गया। और लैपटॉप अभी आपको मैं दिखा देती हूँ, थोड़ा सा मैंने उसका ऊपर की साइड पर कुछ क्या बोलते हैं उसको, वॉलपेपर टाइप का लगा दिया, जो भी बोलते होंगे उसको, मुझे नहीं पता पेपर से। बाकी आज का दिन ऐसे गया कि व्लॉगिंग के लिए फिर मेरा ये वाला फ़ोन था मेरे पास में, इससे इसकी पिक्चर क्वालिटी है ही नहीं, तो मैं क्या व्लॉगिंग करती। मैं 1 घंटे खड़ी रही जनकपुरी, पर उसके बाद भी काम नहीं हुआ। फिर मैं घर आई लंच वगैरह करके, फिर मैं वापस से गई 2 बार, आज पूरा दिन इसी सब में लग गया। तो थोड़ा सा वहाँ पे छोटे छोटे पपीज थे, डॉग्स थे, इतने प्यारे थे मैं क्या बताऊँ। तो इस वाले से थोड़ी सी वो ही मैं रिकॉर्डिंग कर पाई, और क्या कहते हैं, बस अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अभी 6 बज रहे हैं तो मैं 1 घंटे काम कर लेती हूँ, क्योंकि रिकवर तो नहीं हो पाएगा इतना सारा चीज़ जो रह गया। 2 चक्कर जनकपुरी के लग गए, वहाँ 1.5 घंटे वेट किया, बहुत सारी चीज़ें काम होनी थी जो नहीं हो पाई आज। लेकिन चेकलिस्ट भी दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर में आपको, और क्या क्या चेकलिस्ट है, क्या क्या काम है, ये सारा चीज़ दिखाती हूँ। और जो एक दूसरा वाला फ़ोन था मेरे पास में, एक्स्ट्रा था ये, इससे अब मैं ब्लॉगिंग किया करूँगी। ये भी ख़राब था, आई होप उसने अच्छे से किया होगा, तो ये भी मैं ठीक करा के ले आ गई। जब पैसे खर्च हो ही गए, मैंने सोचा जब लैपटॉप पे हो गए, इस वाले फ़ोन पे हो गए, तो इसने क्या बिगाड़ा, मैंने इसको भी ठीक करा लिया। तो ओवरऑल मेरा 5-6 हज़ार रुपये आज निकल गए, लेकिन ठीक है, देखते हैं कितने दिन ये सारी चीज़ें चल पाती हैं। क्योंकि जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं, एक बार ये ओपन हो गई स्क्रीन वगैरह कुछ भी इनके, कल पुर्जे चेंज हो गए, तो फिर ये ज़्यादा चल नहीं पाती हैं। लेकिन ठीक है, 5-6 हज़ार खर्च हुए हैं, 3-4-5 महीने भी चीज़ें चल जाएँ तो वर्थफुल है। बाकी लेट्स सी। सो गाइस, जहाँ पे मैंने बुक पढ़ते पढ़ते छोड़ दिया था, वो पॉइंट था कि सफलता के 3 चरण क्या हैं, और फर्स्ट ही इतना अच्छा यहाँ पे लिखा था वो मैं आपको बता देती हूँ, और सेकंड और थर्ड भी मैं केवल एक एक लाइन में आपको बता दूंगी, तो आप पढ़ भी सकते हैं, मैं आपको पढ़ के भी सुनाती हूँ, आप देख सकते हैं कि क्या लिखा है। सफलता का पहला चरण है उस काम का पता करें जिसे आप करना पसंद करते हैं उसे करिए। सफलता अपने कार्य से प्रेम करने में। अब इस लाइन को 2 तरीके से आप मेरे हिसाब से समझ सकते हैं और अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। सबसे पहला, अगर आप ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं, चाहे ऑफिस में है या अपना कोई बिजनेस है या कुछ भी है, तो आप अपने काम से प्यार करना सीख लीजिए। कि जो भी आप, ये नहीं कि कोई देख रहा है तब काम करेंगे, कोई सीनियर की डांट पड़ी तो काम करेंगे, जितना आप कर सकते हैं अपने काम से प्यार करके काम करिए, तो मेरे हिसाब से आपको भी अच्छा महसूस होगा और आप अच्छा काम कर पाएंगे। दूसरा, अगर आपने अभी काम करना स्टार्ट नहीं किया है, तो आप काम ही वो करिए जो काम करना आपको पसंद है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने इंश्योरेंस लाइन में जॉब की 10 साल की, हालांकि मुझे लोगों से मिलना, बातें करना, उनको समझाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब बात आती थी टारगेट की कि इंश्योरेंस के टारगेट नहीं हुए, और हमको मतलब ऐसे बोला, सबको ही बोला जाता था, प्रेशर दिया जाता था कि भाई पीछे पड़ जाओ, फोन करो, फॉलोअप करो, तो मुझे वो वाला काम पसंद नहीं आता था।
कि मैं एक ही इंसान को बार बार नहीं बोल सकती। अगर मैंने उसको प्लान समझा दिया है, अगर उनको समझ में आया है तो वो मुझे कॉन्टेक्ट करेंगे। हाँ, समटाइम मैं 1-2-3 महीने बाद उनसे पूछ सकती हूँ कि सर क्या प्लान है, आपने क्या डिसाइड किया, इससे ज्यादा मैं पीछे नहीं पड़ सकती। तो एक बार एक समय ऐसा आया कि जब मैं बहुत तंग आ गई इस सब चीज से कि मेरे बस की बात नहीं है इतना पीछे पड़ना। अभी भी मैं इंश्योरेंस का काम करती हूँ, लेकिन आप अपने तरीके से करती हूँ। मैं लोगों को समझाती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, उनको प्लान समझाती हूँ और उनके ऊपर डिसीजन छोड़ देती हूँ। जब उनको लगेगा कि करना चाहिए तो कर लेंगे। और साथ में मेरी हॉबी थी बुक रीडिंग, तो मैं बुक रीडिंग भी करती हूँ और मैं अपना जो व्लॉगिंग है या फिर मैं आध्यात्म ज्ञान के लिए जो भी कंटेंट लिखती हूँ उसके ऊपर अब मैं सारा काम अपने पसंद का कर रही हूँ। तो मुझे ऐसी उम्मीद है आज नहीं तो कल मुझे सफलता जरूर मिलेगी। अब दूसरा और तीसरा चरण क्या है वो जैसे मैं पढ़ूंगी आपको भी बताऊंगी और मे भी आपको कुछ अच्छा लगे उसमें से। लेकिन मुझे लगता है अगर आज मैं सारा बताने लगी तो व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं ज्यादा नहीं बताती। ये इतना बहुत है आज के लिए, इतना ज्ञान बहुत है। एक और चीज दिखा देती हूँ मैं आपको। सो गाइस, जो चीज दिखानी थी वो थी आज की चेकलिस्ट। तो आज मेरे पास में 11 कामों की चेकलिस्ट है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, इसमें घर के काम नहीं होते, सिर्फ मेरे ऑफिशियल और मेरे ब्लॉगिंग ये सब चीज से रिलेटेड चीजें होती हैं। तो मैंने फोन रिपेयर कराना था करा लिया, लैपटॉप रिपेयर कराना था करा लिया, कोरा पे मैंने अभी कोई काम नहीं किया, लेकिन मैंने यहाँ ओपन करके रखी हुई है अपनी प्रोफाइल। जैसे ही मैं थोड़ा सा फ्री होती हूँ तो यहाँ पे मैं काम करूंगी। उसके बाद बारी आती है बुक रीडिंग की, तो मैं बुक रीड अभी यहाँ पे कर रही हूँ। और शॉर्ट वीडियोस मैंने किसी भी चैनल के लिए अभी नहीं बनाए, तो मैंने टिक नहीं किया हुआ। व्लॉगिंग मैंने ऑलमोस्ट जितना कर सकती थी की है। इंस्टा पे कोई प्रमोशन मैंने नहीं किया है आज। ड्रेस मेकिंग भी नहीं की है और वीडियो एडिटिंग तो सबसे लास्ट की बात है। तो इन 11 में से सिर्फ मेरे अभी 4 काम हुए हैं दोस्तों, और बाकी के सारे काम करने। एक तरीके से देखो तो मैं आज के दिन को बहुत अच्छा तो कह नहीं सकती, क्योंकि आज भाग दौड़ और धक्का मुक्की में ही पूरा दिन चला गया। अगर कोई एक चीज अच्छी हुई, लेकिन कोई भी दिन ऐसा नहीं होता इंसान की जिंदगी में कुछ भी अच्छा ना हो, तो मुझे लग रहा था कि आज का पूरा दिन मेरा वेस्ट हो गया। ऐसे मैं सोचते हुए आ रही थी डिस्ट्रिक्ट सेंटर से, तो जब मैं रोड क्रॉस कर रही थी तो वहां पे इतना ज्यादा ट्रैफिक था अभी शाम के टाइम, तो मैं 5 मिनट से खड़ी थी और मैं रोड क्रॉस नहीं कर पा रही थी। इतने में वहां से एक रिक्शा वाला आया, तो वो रोड क्रॉस कर रहा था, मतलब रिक्शा के साथ कर रहा था। तो उसने मुझे पूछा, मैम आप रोड क्रॉस करने के लिए रुके हो यहाँ पे? तो मैंने बोला हाँ जी भैया। तो उन्होंने बोला कि आप ना रिक्शा में बैठ जाओ, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ तो रोड क्रॉस करवा देता हूँ। तो वहां पे इतना ज्यादा ट्रैफिक था आज, हद से ज्यादा, तो उस बंदे ने मुझे रोड क्रॉस करा के उस तरफ पहुंचा दिया। तो आज पूरे दिन में मुझे एक इंसान इतना अच्छा मिला। तो वो कहते हैं ना जाने किस वेश में क्या है, नारायण मिल जाएंगे, तो वो भजन इसीलिए किसी ने लिखा होगा। तो ये आज के दिन की एक अच्छी बात थी। और अच्छी बात अगर देखा जाए तो बहुत सारी अच्छी बात थी। लैपटॉप सही हो गया मेरा, फोन सही हो गया, 2-3 दिन से परेशान थी इस फोन को लेकर के, तो ठीक है टाइम दिन गया, लेकिन ये सारे काम भी बहुत ज्यादा जरूरी थे जो काम हो गए। और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ में आज के ब्लॉग को, अच्छी एनर्जी के साथ में इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। और ये सारे काम अभी मेरे चलते रहेंगे। कल आपको इसकी रिपोर्ट कार्ड कल दिखाऊंगी कि कितने में से कितने, 11 में से कितने काम हो गए। और ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। टिल देन अब कल मिलेंगे आपसे कल के ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू अवर यूट्यूब चैनल विच इज हम पहाड़ी परिंदे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।